जी, आज भीम आर्मी का जो प्रोग्राम है उनकी हुंकार रैली है, सहारनपुर से शुरू होनी थी, आज उसको रोक दिया गया, देवबंद में क्या कहते हैं आप? देखिए, उनका कार्यक्रम मेरी जानकारी के अनुसार दिल्ली के अंदर उनका कार्यक्रम है, यहाँ तो कोई कार्यक्रम मुझे नहीं पता था, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप इस प्रकार से रोक नहीं सकते हो। आपने किन कारणों से उसे डिटेन किया, वो अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरे देश के अंदर हमें कानून देने का काम करता है। कानूनन हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी है, और चंद्रशेखर जी को फोकस करके, टारगेट कर करके क्यों रोका जा रहा है, ये समझ से बाहर है। ये जिस तरह से चंद्रशेखर को रोक रहे हैं, मैं प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ कि प्रशासन के लोगों को गंभीरता के पूर्वक इस पर विचार करना चाहिए कि उन्होंने जो रैली उनकी है उसकी मैं समझता हूँ कि पूर्ण में अनुमति प्राप्त कर करके वो रैली के जंतर मंतर के ऊपर करने के लिए जा रहे हैं, और किसी भी व्यक्ति को आप इस प्रकार से क्यों रोक रहे हो, कौन से कानून के तरीके से रोक रहे हो। और मैं समझता हूँ कि भीमराव चंद्रशेखर जी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सबसे बड़े अनुयायी हैं, और वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहेंगे जो बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के विरुद्ध जाने का काम करेगा। वो कानून के दायरे में रह करके सब काम करेंगे, तो उनसे बात करके कानून के दायरे में, और मैं उनके साथ हूँ, निश्चित रूप से उनके साथ हूँ। मेरा बिल्कुल इस बारे में स्पष्ट पहले दिन से कि मैंने हमेशा भीम आर्मी और चंद्रशेखर का समर्थन किया है, आज भी समर्थन कर रहा हूँ। एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि मैं तो समर्थन पूर्ण करता हूँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज तो बता दे कि अब तो चुनाव खड़ा हुआ है कि वो भीम आर्मी का समर्थन करेगी कि नहीं करेगी, या केवल हमें दलित को वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप भीम आर्मी का समर्थन कर रहे हैं और चंद्रशेखर खुलेआम जो गठबंधन है उसको समर्थन कर रहे हैं? मैं उस प्रश्न पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो प्रश्न मेरा बिल्कुल स्पष्ट है कि मैंने कहा कि अगर हमें एक तरफा मोहब्बत भी निभानी तो हम तो एक तरफा मोहब्बत भी निभाएंगे। हम तो वो मजलूम है तो मजलूम की मदद करेंगे, मजलूम कोई भी हो, चंद्रशेखर भी हो सकता है, दूसरे भी हो सकते हैं, तीसरा भी हो सकता है, हम मदद करेंगे। आपके विरोध में वो खड़े हैं, आप फिर भी उनको जी कह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है आपको आवश्यकता है चुनाव में उनकी? देखिए, चुनाव की आवश्यकता की बात ही नहीं होती है। मैंने हमेशा मजलूम की मदद की है और बिना डरे की।